बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा आईआरसीसी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्री इनिशियल रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन की। दोस्तों जिन लोगों ने भी कनाडा की अप्रूव्ड वैक्सीन ली हुई है वो आने वाले दिनों में कनाडा ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी नॉन असेंशियल कैटेगरी में। अब चाहे आप विजिटर हो, स्टूडेंट हो या फिर किसी भी वीजा कैटेगरी से हो, आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हो आगे आने वाले दिनों में। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली या फिर कोई ऐसी वैक्सीन ली है जो कि कनाडा से अप्रूव्ड नहीं है तो भी आप अनवैक्सीनेटेड की कैटेगरी के अंदर आते हो, जिसकी वजह से दोस्तों आपको 14 डेज क्वारंटाइन प्लान जो है वो फॉलो करना होगा। रिसेंटली कनाडा आईआरसीसी ने अपनी अपडेट में बता दिया है कि 9 अगस्त के बाद से जो है वो होटल क्वारंटाइन प्लान जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। अब जो भी अनवैक्सीनेट लोग हैं कनाडा आना चाहते हैं अगर, तो उनके लिए न्यू प्लान जो है वो बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा कनाडा आईआरसीसी की तरफ से। साथ ही दोस्तों बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी पूछते हैं कि सर कनाडा की कोई भी वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 2 वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हो चुकी है, अगर आप चाहो तो वो वैक्सीन लगवा सकते हो और फिर क्वारंटाइन प्लान से जो है वो एग्जेम्पशन ले सकते हो, वरना तो फिर आप अनवैक्सीनेट की कैटेगरी के अंदर ही काउंट किए जाओगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड अपडेट की, जो क्या है स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों कनाडा आईआरसीसी का कहना है कि जिन लोगों ने भी फुली वैक्सीनेशन ली हुई है उनको होटल क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इस वक्त कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं और अगर वो फुली वैक्सीनेट भी हैं तो भी उनको क्वारंटाइन प्लान की जरूरत पड़ सकती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों आपको होटल क्वारंटाइन होने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि अगर आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर ये क्वारंटाइन प्लान जो है वो आपको फॉलो करना होगा। साथ ही दोस्तों कनाडा आईआरसीसी का कहना है कि 9 अगस्त के बाद से अमेरिकन जो फुली वैक्सीनेट हैं वो कनाडा में इंटर हो सकते हैं, साथ ही उनको कोई टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उन्हें होटल क्वारंटाइन होने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में आईआरसीसी ने यह भी बताया है दोस्तों कि रैंडम टेस्ट किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि सबको विदाउट टेस्ट छोड़ दिया जाए, कुछ भी रैंडम नंबर के तौर के ऊपर जो है वो कुछ लोगों के टेस्ट लिए जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों 7 सितंबर के बाद से अदर कंट्रीज के लोग भी कनाडा में इंटर हो सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो उनको ट्रैवल करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। नंबर 1 के ऊपर वैलिड स्टडी परमिट उनको चाहिए होगा और नंबर 2 के ऊपर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन चाहिए होगा। साथ ही दोस्तों स्टूडेंट्स जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को पहले चेक करें कि वो DLI इंस्टीट्यूशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं या फिर नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो कनाडा नहीं जा पाएंगे। अगर उनका कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसके अंदर रजिस्टर्ड है तो ही वो कनाडा में इंटर हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों कनाडा आईआरसीसी ने इंडिया पर 21 अगस्त तक के लिए बैन को एक्सटेंड कर दिया है, तो जो लोग भी इंडिया से कनाडा जाना चाहते हैं उनको इनडायरेक्ट रूट का सहारा लेना पड़ेगा और वहां पे प्री डिपार्चर टेस्ट भी जो है वो उनको कराना पड़ सकता है। साथ ही में अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड अपडेट की, जो के है ओपन वर्क परमिट को लेकर। दोस्तों कनाडा आईआरसीसी ने TR2PR मतलब टेम्परेरी रेजिडेंसी टू परमानेंट रेजिडेंसी वालों के लिए 6 न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे मंथ ऑफ मई में, जिसके अंदर 90,000 से भी ज्यादा लोगों को जो है वो कनाडा ने PR देने का वादा किया था। उनके लिए कनाडा आईआरसीसी ने न्यू पब्लिक पॉलिसी अनाउंस कर दी है कि अब उनको न्यू ओपन वर्क परमिट इशू किया जाएगा, जिसकी ओपनिंग डेट रखी गई है 26 जुलाई। जिन लोगों ने भी इन 6 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई किया था या फिर दोस्तों वो अपनी PR एप्लीकेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो इस ओपन वर्क परमिट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में उन्होंने अपनी अपडेट के अंदर ये चीज भी मेंशन की है दोस्तों कि ये ओपन वर्क परमिट सिर्फ 1 साल के लिए इशू किया जाएगा। आप इस ओपन वर्क परमिट को मजीद एक्सटेंड नहीं करवा सकते और ये ओपन वर्क परमिट सिर्फ 31 दिसंबर 2022 तक के लिए वैलिड रहेगा।
उसके बाद ये ओपन वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद आपको आपकी पीआर भी जो है वो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।